अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट द मेकअप ब्रशेज़ एंड देयर यूजेस। ठीक है, इस वाली किट में आपको जो मेकअप ब्रशेज़ नज़र आ रहे हैं, इसमें आई मेकअप वाले ब्रशेज़ भी हैं काफ़ी सारे, और जो फेस पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ब्लश ऑन के लिए, कंटूर के लिए, हाइलाइटर के लिए, वो वाले ब्रशेज़ भी हैं। तो इस वाली वीडियो में हम लोग डिटेल पर बात करेंगे, ठीक है ना, उन ब्रशेज़ के बारे में जो हम फेस पर अप्लाई करते हैं, और जो आई मेकअप के लिए ब्रशेज़ यूज़ होते हैं उनके ऊपर मैं अगली वीडियो पर बात करूँगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं वो वाले ब्रशेज़ जो फेस के लिए यूज़ होंगे, जैसे हाइलाइटर के लिए, कंटूर के लिए, ठीक है ना। और ये देखें, ये हमारे पास कुछ ब्रशेस हैं जो बेसिक हैं, बिगनर्स के लिए आसानी होगी समझने के लिए। ये है पहला हाइलाइटर वाला ब्रशेस, ठीक है ना। हाइलाइटर वाले ब्रशेस है, ब्रश है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने चीक बोन्स पे, हाइलाइटर जहाँ हमने अप्लाई करना है, ठीक है ना, नोज़ के ऊपर और अपर लिप के ऊपर। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होगा हाइलाइटर इस वाले ब्रश से, जिसे हम फैन ब्रश भी कहते हैं, ठीक है ना। और देखें कितना सॉफ्ट और कितना ब्यूटीफुल है, वन ऑफ माई फेवरेट ब्रश। और जी अगला है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं कंटूरिंग के लिए एज़ वेल एज़ फॉर ब्लश ऑन के लिए, ठीक है ना। देखें ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत अच्छे से कंटूर अप्लाई होगा। कंटूर भी जहाँ जहाँ अप्लाई करना होगा, ठीक है ना, जॉ लाइन के ऊपर और चीक के ऊपर, ठीक है, तो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। अगला ब्रश है जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कंसीलर के लिए, फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए, और आईज़ के ऊपर भी जहाँ हमने फाउंडेशन अप्लाई करनी होगी आई शेड्स यूज़ करने से पहले, ठीक है ना, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और अच्छे से सब कुछ ब्लेंड हो जाएगा इस ब्रश से। ये वाला ब्रश भी यूज़ हो सकता है कंटूरिंग के लिए और ब्लश ऑन के लिए, ठीक है। और एक बार आपने अच्छे तरीके से पूरे फेस की ब्लेंडिंग करनी हो ब्लश ऑन अप्लाई करने के बाद, हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद, तो उसके लिए भी ये यूज़ हो सकता है। ब्रश यूज़ करने के साथ जो एक मेकअप की कवरेज आती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और अगर कवरेज अच्छी हो तो आपका मेकअप भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये वाला ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं हाइलाइटर के लिए या फिर कंटूरिंग के लिए। आगे से आप देख सकते हैं इसकी शेप थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है, जो अच्छे से यूज़ हो सकता है, ठीक है। इनके बारे में हम बात कर ली है, आगे हम नेक्स्ट मेकअप बॉक्स की तरफ बात करते हैं, ठीक है ना। ये वाला आपको जो ब्रशेज नज़र आ रहे हैं, दो सॉफ्ट से, प्यारे से, ठीक है ना, ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं फेस पाउडर के लिए, ठीक है ना, लूज़ पाउडर लिए अपने आईज़ के नीचे। और देखें कितना सॉफ्ट और कितने अच्छे तरीके से ये अप्लाई हो सकती है इसकी कवरेज। ये जो आपको नज़र आ रहा हो थोड़ा मोटा सा ब्रश, ये आप यूज़ कर सकते हैं फेस पाउडर के लिए, और ये वाला यूज़ होगा ब्लश ऑन के लिए, ठीक है, अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग के लिए। ये बात हो गई जी हमारे सारे बेसिक फेस ब्रशेज़ के बारे में, हाइलाइटर हो गया, कंटूर हो गया, और ये वाला जी ये भी आ गया है, ये देख लें जी, फाउंडेशन के लिए इसके ऊपर मैंने अप्लाई भी की हुई है। ये थे हमारे बेसिक फेस ब्रश। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।